जी, तो मेरी प्यारी प्यारी मदर्स जो भी आप लोग काम करती हैं, मतलब आप जो भी लेडीज़ जो हैं इंडिपेंडेंट हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, वो वर्किंग लेडीज़ होने के साथ साथ एक मदर भी हैं। तो एक मदर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने बच्चों को हर तरह से गाइड करें, हर तरह की चीज़ों के लिए रेडी रखें। तो जी, जब भी बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि भाई बच्चों के पास जो है वो नहीं होता, कंपास नहीं होता, और क्या नाम है, कभी कोई सर्कल बनाने की कोई चीज़ नहीं होती। तो आज इतनी ज़बरदस्त सी एक ट्रिक आपको बताने वाली हूँ जो आप अपने बच्चों को सिखाएं, जिससे बच्चे आपके आराम से ना बगैर किसी भी चीज़ के सर्कल वाले जिसके बहुत ज़बरदस्त सर्कल बना सकते हैं। जैसे अगर उन्होंने कोई चीज़ भी बनानी है तो वो बहुत ज़बरदस्त एक सर्कल बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पेंसिल को इस तरह से करके होल्ड करना है, ठीक है? बच्चों को बताना है कि पेंसिल को इस तरह से करके होल्ड करना है, और इस तरह से फिंगर जो है बीच में सेंटर में रखनी है, और उसके बाद जो है ये आप पेंसिल को इस तरह से घुमाना शुरू करें, और आपने फिंगर नहीं हटानी है, सिर्फ बुक को आपने मूव करना है। फिंगर आपकी जहाँ है आपने वहीं रखनी है, सिर्फ आपने कॉपी को मूव करना है, और इस तरह से कॉपी को मूव करते करते और इसको पूरा सर्कल में मूव करेंगे, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा एक सर्कल बनता हुआ आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक सर्कल, देखें मैंने सिर्फ कॉपी को मूव किया है, और ये पूरा एक सर्कल जो कैंपस की मदद से हम बनाते हैं, वो ये पूरा सर्कल आपका इस तरह से बन रहा है, ठीक है जी? तो ये आप अच्छा सा एक सर्कल इस तरह से पेंसिल की मदद से बना सकते हैं, सिर्फ अपने फिंगर को मूव करना है आपने इस तरह से। मैं अगेन एक दफ़ा बना के दिखाती हूँ, ये देखें जी, सिर्फ आपने अपनी पेंसिल को इधर रखना है, और फिंगर को ऐसे रखना है, और बुक को मूव करना है, सिर्फ बुक को मूव करना है। ये देखें जी, इतना अच्छा सा ये पूरा एक सर्कल बन गया है। अब अंदर का जो आपका ये ख़राब हुआ है, इसको आप इरेज कर सकते हैं। तो जी, इस तरह से आप बग़ैर कैंपस की मदद से ना, कंपास अगर बच्चों के पास ना हो तो इस तरह से आप पेंसिल को होल्ड करके इस तरह से, और उसके बाद बच्चों को इस तरह से सर्कल बनाना सिखा सकती हैं। छोटी सी ज़बरदस्त सा एक ट्रिक थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। साथ एक और ट्रिक ट्रिप लेकर आई हूँ, जिसमें बच्चों के पास कभी इरेजर नहीं होता तो रबर बैंड तो होते ही है ना हम लोगों के पास घरों में। तो आप लोग क्या करें कि बच्चों को जो है रबर बैंड बच्चों की पेंसिलों में इस तरह से लगा, ये होता है ना पीछे का इरेजर, ये ख़त्म हो जाता है तो फिर बच्चे परेशान होते हैं। तो इस तरह से बच्चों की पेंसिल में जो है आप रबर बैंड लगा सकते हैं, और रबर बैंड की मदद से बच्चे जो है आराम से जो है आपका जो खला काम खरत हो गया है उसको आराम से, ये देखें, ये इरेज हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कितनी आराम से मैंने आपको इरेज करके दिखा दिया जी। तो ठीक है, आप इस तरह से बच्चों के साथ ये छोटी छोटी सी चीज़ें शेयर करें, और बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में बताएं, और ये देखिए आप कितना अच्छा सा ये इरेज भी हो रहा है, हमारा सर्कल भी बहुत ज़बरदस्त बन गया है। उसके बाद जो हमारे पास ख़राब हो गया था सर्कल थोड़ा सा, तो उसको हमने इस तरह से रबर बैंड की हेल्प से इरेज भी कर लिया है। तो जी, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी ज़बरदस्ती टिप्स आपको पसंद आई होंगी, अपने बच्चों के साथ इन टिप्स को ज़रूर शेयर करें। ये देखिए, जो थोड़ा सा मेरा सर्कल ख़राब हो गया था, मैंने उसको रबर बैंड की हेल्प से इरेज कर लिया है। रबर बैंड मैंने अपने पेंसिल में लगाया, तो रबर बैंड जो है आपका इरेजर का काम भी कर सकता है। तो आप इस तरह से रबर बैंड की हेल्प से इरेज भी कर सकते हैं जी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी टिप्स पसंद आती होंगी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी टिप्स कौन सी ज़्यादा पसंद आई है, और आपने ट्राई की है या नहीं की, और अपने बच्चों को सिखाई हुई है या नहीं। बच्चों को अपने ये दोनों ये टिप्स ज़रूर सिखाएं, क्योंकि ये टिप्स बच्चों के स्कूल जाने वाले बच्चों के बहुत हेल्प कर सकती हैं जी। तो प्यारी लेडीज़, एक और टिप लेकर आई हूँ जो कि है मेकअप लॉन्ग लास्टिंग मेकअप हैक। तो जी, आपके लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त टिप लेकर आई हूँ। हम परेशान होते हैं, बहुत सी लेडीज़ के पास जो है वो मेकअप लॉन्ग लास्टिंग वाला जो ब्रश होता है वो नहीं होता, सॉरी ब्रश कह रही हूँ, स्प्रे नहीं होता। तो जी, हम लेडीज़ बड़ा परेशान हो जाती हैं कि लॉन्ग लास्टिंग वाला स्प्रे नहीं है, तो अब हम क्या करें। तो जी, मैं आज आपके साथ छोटी सी ज़बरदस्ती टिप शेयर करने लगी हूँ, जिससे आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग कर सकती हैं। तो जी, जो भी मेकअप है पहले मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना लॉन्ग लास्टिंग हो गया है, और ये जो है
आराम से इरेज नहीं हो रहा, ख़राब नहीं हो रहा, चाहे जितनी भी स्वेटिंग हो, कुछ भी हो, आपका मेकअप जो है इतनी आराम से ख़राब नहीं होगा और बहुत देर तक चलेगा। तो जी आपने क्या करना है, इस तरह से पहले मेकअप अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे, जो भी आप मेकअप लगाती हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है जी, सिर्फ आपने लेना है टैल्कम पाउडर। जी हाँ, मैं टैल्कम पाउडर की बहुत सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। टैल्कम पाउडर एक बहुत ज़बरदस्त हमारा जो है एक इंग्रेडिएंट है, एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हर घर में होती है और बहुत यूज़फुल भी होती है। तो जी अब आपने क्या करना है कि थोड़ा सा टैल्कम पाउडर इस तरह से अपने ऊपर, जहाँ भी आपने मेकअप लगाया है ना फेस पे, इस तरह से टैल्कम पाउडर डालने के बाद इस तरह से आपने उसके ऊपर टैल्कम पाउडर अप्लाई कर देना है और इसको थोड़ी देर लगा छोड़ देना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको टिश्यू से आप रब कर लें। मैं आपको रब भी करके दिखाती हूँ जी। तो अब इसको हम टिश्यू से अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और बिल्कुल भी इसके ऊपर निशान नज़र ना आए कि आपका टैल्कम पाउडर आपने लगाया था। देखिए मैंने इसको टिश्यू से अच्छी तरह से टैल्कम पाउडर अपना सारा साफ़ कर दिया है। अब मैं आपको इस मेकअप को जो है टिश्यू से अच्छी तरह से रगड़ के दिखाऊंगी कि ये हमारा मेकअप ख़राब हो रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मैं कितनी जान जान लगा के इसको रब कर रही हूँ, हटा रही हूँ मेकअप को। ये देखिए ये जो है ज़रा सा भी ना टिश्यू पे आ रहा है और ना यहाँ से लाइट हो रहा है। तो जी ये बहुत ज़बरदस्त है कि बहुत ज़बरदस्ती टिप है अपने फेस पे। जब भी आप गर्मियों में मेकअप वगैरह अप्लाई करें तो टैल्कम पाउडर ज़रूर लगा लें और उसके बाद आप देखें कि आपका मेकअप कितना लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, कितनी देर तक चलता है। चाहे पसीना आए, चाहे सख्त से सख्त गर्मी हो, स्वेटिंग हो, कुछ भी हो, आपका मेकअप जो है आपके फेस पे जम जाएगा। उसके बाद आप घर आके उसको, जो मैंने मेकअप रिमूविंग टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, वैसलीन या पेट्रोलियम जेल जो भी है वो अप्लाई करें और उसके बाद टिश्यू से साफ़ कर दें और जाके अपना फेस वॉश कर लें, क्लेंजिंग कर लें और इस तरह से आपका मेकअप इस रिमूव होगा। लेकिन आपका मेकअप जो है आपका पसीनों से नहीं ख़राब होगा, किसी भी तरह से आपका मेकअप ख़राब नहीं होगा अगर आप टैल्कम पाउडर इसके ऊपर अप्लाई कर लें। तो जी मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी छोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी और आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई करेंगे और ज़रूर इस टिप से मेरी फ़ायदा उठाएंगे।